गोलखपुर डिवीज़न में हर एक बस्ती में आज पीने के पानी में जो ड्रेनेज का पानी मिल रहा है उसके सिलसिले में आज हम यहाँ के वाटर वर्क्स MD के पास आए हैं, PGM के पास आए हैं। साथ ही मेरे साथ हमारे गोलखपुर के फॉर्मर कॉरपोरेटर वाजिद साहब और हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट रफील भाई, सारे लोग यहाँ पे आए हैं। हम उनसे डिमांड किए हैं क्योंकि जिस तरह से पानी में पूरा ड्रेनेज पानी और हर किस्म का केमिकल वाटर उसमें मिक्स होकर आ रहे हैं, काफ़ी छोटे बच्चों को बीमारियाँ आ रहे हैं, वहाँ पे औरतों को बीमारियाँ आ रहे हैं, और हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इसका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व किया जाए। और काफ़ी लीडर्स आके काफ़ी लोग बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर हकीकत ये है गोरखपुर में आज हर एक बस्ती में पानी का प्रॉब्लम है, खास करके पीने का पानी का प्रॉब्लम है। और साथ ही जो गवर्नमेंट बड़े बड़े स्कीम्स लेके आ रही है, हर दो दिन को एक नया स्कीम लेके आते हैं। हाल ही में 2019 में एक नया स्कीम लेके आए थे जो जितने भी वाटर के कनेक्शन है उसको रेगुलराइज करने के लिए स्कीम लेके आए, लेकिन आज हालात ये है कि सिर्फ स्कीम्स जो है खाली बातचीत के लिए ही स्कीम्स हैं इनके। काफ़ी हमारे गोलखपुर के जितने भी लोग अप्लाई करे अभी तक उसका कोई रिजल्ट्स नहीं आए, इसके लिए भी हम वाटर वर्क डिपार्टमेंट से और डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर भी आप तजव्यू दें और काम इसके सिलसिले में भी जल्दी करें। आज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से हमारी बात हुई है और हम ये जानकारी लिए है कि गोलखपुर में जो वाटर वर्क का काम आ रहा है किसके बजट में हो रहा है, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो जो भी है वाटर वर्क के डिपार्टमेंट से हो रहा है। उन्होंने बोला कि दो नए पाइपलाइन लाग रहे, एक जो है माइकल मंडी से आ रहा है, दूसरा जो है चिलकलगुड़ा से आ रहा है। एक को जो है 7 करोड़ खर्चा करके काम करा रहे, दूसरा 3.5 करोड़ करके खर्चा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि काम मेहनत कोई और कर रहा है और उसका पब्लिसिटी कोई और ले रहा है। हम डिमांड करते हैं कि ऐसे मतलब ऐसे चीज़ों को पब्लिक अवेयरनेस लेना है कि कौन हकीकत काम कर रहा है, किसके डिपार्टमेंट काम कर रहे, किसके कहने पे काम कर रही है, इसके ऊपर भी आप एक बार सोचना चाहिए। थैंक यू।